अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। आज के लेक्चर में हम करेंगे बच्चों 10th क्लास का अनदर टॉपिक, दैट इज़ इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। बच्चों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर का अगला पोर्शन अगर आपने समझना है तो आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे से समझना है, इसका कॉन्सेप्ट बनाना है, क्योंकि आगे लेंसेज की डिस्कशन है और फोकस हमारा कन्वेक्स लेंस है। इसीलिए हम कन्वेक्स और कनकेव लेंस कैसे इमेजेस बनाते हैं आज के टॉपिक में सीखेंगे। तो जो बच्चे इस चैनल पर न्यू हैं वो जल्दी से इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो बच्चों आइए जानते हैं कि लेंसेज इमेज कैसे बनाते हैं। एक चीज़ तो श्योर है कि लेंसेज रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। मिरर्स रिफ्लेक्शन के असूल पे काम करते थे, लाइट रे जाती थी टकरा के पहले मीडियम में वापस आ जाती, रिफ्लेक्ट बैक, जबकि लेंसेज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के असूल पे काम करते हैं। रोशनी को गुजरने देते हैं और जब रोशनी उन लेंसेज में से गुजरती है तो बेंड हो जाती है। आइए हम कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है, किसके करीब, एक कॉन्वेक्स लेंस के जरिए, एक कॉन्वेक्स लेंस के करीब हमारे पास ये तीन रेज हैं जिनके ज़रिए हम एक्सप्लेन करेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस किस तरह से इमेजेस बनाता है। बच्चों हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जो हम जानते हैं कि सेंटर से थिक और साइडों से थिन होता है। हम बुक के ऊपर वो एक ही डायग्राम बनी होगी जिसमें उन्होंने तीनों की तीनों रेज दिखाई हैं। मैंने इंडिविजुअली बनाई हैं ताकि आपको डिटेल से समझा सकूं। ये लाइन क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि दोनों स्फेरिकल शेप्स के सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरे, ऐसी लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और दोनों साइड पर हम जानते हैं प्रिंसिपल फोकस, यहाँ भी प्रिंसिपल फोकस यहाँ भी मौजूद होता है। फर्ज करिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हम खुद ही उस कन्वेक्स लेंस के सामने खड़े हैं या टेक्स्ट बुक पर पेंसिल उन्होंने रखी होगी सामने। यहां ऑब्जेक्ट खड़ा है इस लेंस के सामने, एक रे बिल्कुल इसके पैरेलल जाके लेंस से स्ट्राइक करेगी। बच्चों हकीकत के अंदर तो लाखों रेज जाके कन्वेक्स लेंस से स्ट्राइक करेंगी और इमेज फॉर्म करेंगी, लेकिन हम तीन रेज से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कन्वेक्स लेंस ने कैसे इमेज फॉर्म किया। तो देखिए पहली रे, द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू द फोकल पॉइंट आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय द लेंस। पहली रे ऐसी लेनी है जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हुआ करेगी, बिल्कुल पैरेलल। आगे जब टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें कन्वेक्स लेंस से इमेज बनाना जब सीखेंगे तो पहली रे हमेशा कैसी लिया करेंगे, जो बिल्कुल पैरेलल होगी, कन्वेक्स लेंस के यहाँ जाके स्ट्राइक करेगी और कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, उसे अपनी प्रिंसिपल फोकस से गुजारेगा। द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू द फोकल पॉइंट, पासिस थ्रू द फोकल पॉइंट आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना और बेंड हो जाना बाय द लेंस। ये पहली रे के साथ कन्वेक्स लेंस ने किया। अब दूसरी रे कैसी लेंगे, एक ऐसी रे जो इस ऑब्जेक्ट से क्या जा रही है, इसके ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है, कन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल्स। देखिए रेस ऐसे भी जा रही होंगी, ऐसे भी जा रही होंगी, लाखों रेस होंगी, लेकिन मैं तीन रेस एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पहली रे मैंने बता दी जो बिल्कुल पैरेलल जाएगी, स्ट्राइक करेगी, लेंस बेंड करेगा और प्रिंसिपल फोकस से गुजार देगा, यानी फोकल पॉइंट से गुजार देगा। दूसरी रे कैसी लेनी है, एक ऐसी रे जो कहां से गुजरे, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरे। जब वो रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी लेंस उसे डेविएट नहीं करेगा बल्कि अनडेविएटेड बिल्कुल सीधा जाने देगा। तो रे टू ए पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, द रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर पासिस स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी गुजर जाएगी थ्रू द लेंस एंड रिमेन्स अनडेविएटेड, और बिल्कुल सीधी रहेगी, डेविएट नहीं होगी, दाएं बाएं नहीं मुड़ेगी, लेंस ने इसको जरा भी चेंज नहीं किया। आइए अब तीसरी रे लेते हैं। तीसरी रे कैसी लेनी है, एक ऐसी रे जो कहाँ से गुजरे, प्रिंसिपल फोकस से गुजरे, उसी के करीब जो प्रिंसिपल फोकस है वहाँ से गुजरे, जाके लेंस से स्ट्राइक करे, लेंस इसे बिल्कुल पैरेलल कर देगा, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल बना देगा। अब इसको पढ़ते हैं क्या लिखा है, द रे पासिंग थ्रू द फोकल पॉइंट, तीसरी रे जो हमने ली इस ऑब्जेक्ट से जो फोकल पॉइंट से गुजर रही है जाके लेंस से स्ट्राइक की, बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लेंस उसे पैरेलल बना देगा। तो जरा डायग्राम 3:1 को देखिए, क्या ये बिल्कुल एक दूसरे के रिवर्स नहीं है। यहाँ पैरेलल रे आई थी, उसे प्रिंसिपल फोकस से या फोकल पॉइंट से गुजार दिया था, यहाँ फोकल पॉइंट से आई तो उसने पैरेलल कर दिया,
तो क्या है लेंस क्या करते हैं, अगर पैरेलल रे आएगी उस पर स्ट्राइक करेगी उसे प्रिंसिपल फोकस से गुजार देगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, और अगर फोकस से गुजर के आ रही होगी फोकल पॉइंट से तो उसे बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर देगा। अब इन तीनों रेज को यहाँ एक्सप्लेन कर दिया गया है, एक ही फिगर के अंदर शो कर दिया गया है। देखिए रे वन जो बिल्कुल सीधी पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, लेंस स्ट्राइक करेगी उसे बेंड करेगा प्रिंसिपल फोकस से गुजार देगा, अपने प्रिंसिपल फोकस से गुजारेगा, यहाँ पे लाइट रे वो वहाँ पहुँच गई। फिर दूसरी रे जो बिल्कुल सीधी भेजनी है ऑप्टिकल सेंटर से गुजर के जाएगी, सीधी रहेगी अनडेविएटेड, बिल्कुल मुड़ेगी नहीं ना दाएं ना बाएं, बिल्कुल सीधी चली जाएगी। और तीसरी रे जो उसके प्रिंसिपल फोकस से गुजरी होगी वो बिल्कुल जाके लेंस से स्ट्राइक करेगी और लेंस उसे क्या कर देगा, बिल्कुल पैरेलल कर देगा। ये तीनों रेज मैंने एक ही फिगर में शो करवा दी। मैंने फिर से कहा कि रेज तो यहाँ लाखों हैं, कोई रे इधर भी जा रही होगी, इधर भी जा रही होगी, इधर भी जा रही होगी, ऐसे भी जा रही होगी, लेकिन जब वो यहाँ जाके कंबाइन होंगी, जब यहाँ जाके कंबाइन होंगी तो एक इमेज बनेगा, और वो इमेज कैसा होगा, रियल इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगा। यही ऑब्जेक्ट उल्टा नज़र आएगा और साइज में छोटा होगा। हमने पढ़ रखा है रियल इमेज कैसा होता है, हमेशा इन्वर्टेड होता है और वाकई ही स्क्रीन के ऊपर बनता है, वाकई में ये इमेज बनेगा। तो देखिए कन्वेक्स लेंस के सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, उससे इमेज फॉर्मेशन कैसे हुई, हमने तीन रेज से उसे एक्सप्लेन कर दिया। रूल नंबर वन पढ़ा, रूल नंबर टू पढ़ा, रूल नंबर थ्री पढ़ा, जिन रूल्स को हम फॉलो किया करेंगे जब भी कन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन करवानी होगी, इन तीनों रूल्स को फॉलो करेंगे। पहला रूल ये है कि हमेशा पहली रे कौन सी लेनी है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। दूसरा रूल ये है कि दूसरी रे कैसी लेनी है जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरे। तीसरा रूल क्या है, एक ऐसी रे लेनी है जो प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट से गुजरे। पहले रूल के अकॉर्डिंग जब पैरेलल रे स्ट्राइक करेगी प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी, दूसरे रूल के अकॉर्डिंग जो रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजारोगे वो सीधी जाएगी, और तीसरे रूल के मुताबिक अगर जो रे आप प्रिंसिपल फोकस से गुजारोगे पैरेलल हो जाएगी। पहला और तीसरा बिल्कुल एक दूसरे के इनवर्स समझ लीजिए। अब ये देखिए इसी ऑब्जेक्ट का कन्वेक्स लेंस ने आपने लेंस के आगे इमेज बना दिया है, साइज में छोटा और रियल इमेज। रियल इमेज की निशानी है कि वो वाकई ही स्क्रीन पे बनेगा, वर्चुअली गैर हकीकी तौर पे नहीं होगा, हमारे दिमाग को वैसे महसूस नहीं हो रहा होगा, वाकई इमेज बना होगा। दैट इज हाउ अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स इमेज। तो ये है कन्वेक्स लेंस जो इमेज बनाता है। अब इमेज फॉर्मेशन जो डिटेल में हम कन्वेक्स लेंस मुख्तलिफ डिस्टेंसेज पे देखेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक है, और वो एनिमेशंस के जरिए मैं आपको समझाऊंगा, क्लैरिटी दूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक की। लेकिन यही असूल वहाँ लगेंगे, यही तीन रूल्स फॉलो होंगे, रेज तीन ही लेनी होंगी, पैरेलल ऑप्टिकल सेंटर से फोकस से गुजरती हुई, और आगे ऑटोमेटिकली देखेंगे ये तीनों रेज कंबाइन होंगी और एक इमेज बन जाया करेगा। आइए इमेज फॉर्मेशन अब कनकेव लेंस में भी देख लेते हैं। कनकेव लेंस को डिटेल से डिस्कस क्यों नहीं किया गया यहां भी, क्योंकि कनकेव लेंस वर्चुअल इमेज बनाता है और वर्चुअल इमेज लेंस के पीछे हुआ करता है। अब जरा देखिए यहां भी ये ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था इस लेंस के सामने, कनकेव की निशानी है, सेंटर से थिन, साइडों से थिक। जब इस पे लाइट रेज तीन फॉल की, सीधी ये थोड़ी सी इधर और एक ऑप्टिकल सेंटर से, जब इन्हें देखा तो लेंस ने तो डेविएट कर दी है, मोड़ देता है बजाय इकट्ठा करने के, इसने सारी रेज को फैला दिया तो इमेज तो बना ही नहीं। इमेज नहीं बना लेकिन मेरे दिमाग को इमेज नज़र आ रहा है, मुझे इमेज कहीं से नज़र आ रहा है, तो वो इमेज रियल नहीं है, वो इमेज वर्चुअल है। और वो कैसे बनेगा, जब इन्हीं रेज को पीछे लेके आएंगे, यहाँ लाके देखा तो उसी साइड पे एक इमेज बन रहा है, साइज़ में छोटा और सीधा, साइज़ में छोटा और सीधा इमेज बन रहा है। वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है, सीधा होता है, यार ये सीधा इमेज बना, जो कि किस लेंस ने बनाया, कनकेव लेंस ने। इसके केस में अगर आप देखें रे वन रे टू रे थ्री इलादा से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ आप बता देंगे। इसके लिए आपने देखा होगा मुख्तलिफ डिस्टेंसेज पे इमेज फॉर्मेशन भी नहीं दिखाई गई, क्योंकि ये हमेशा कौन सा इमेज बनाता है, वर्चुअल, वर्चुअल एंड वर्चुअल। लेकिन कन्वेक्स लेंस रियल इमेज भी बना सकता है, वर्चुअल भी, इसलिए इसे मुख्तलिफ डिस्टेंसेज पे अगले टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कैसे इमेज बनाता है। लेकिन असूल फिर से रिपीट कर दूँ, यही फॉलो होंगे रूल्स, यही फॉलो होंगे। आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, तस्वीर ले लीजिए, स्टॉप करके देखिए, ये डिटेल से मैंने आपको ईच एंड एवरी पॉइंट अबाउट कन्वेक्स लेंस इमेज फॉर्मेशन बता दिया। और ये आप जानते हैं प्रिंसिपल फोकस का, यहाँ से फासला, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ये फोकल लेंथ ही हुआ करती है। ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज देखा, पहले कन्वेक्स लेंस और फिर कनकेव लेंस, तीन रेज लेके। होप सो कि आपको आज के टॉपिक की समझ आई होगी, ईच एंड एवरी आपकी मिसकंसेप्शन दूर हो चुकी होगी, अंडरस्टैंड कर लिया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, अल्लाह हाफिज़।